बेशुमार नेमतें अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को और हमें और आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता फरमाई, लेकिन उन नेमतों के देने के बाद भी अल्लाह तबारक व तआला ने किसी नेमत पर एहसान नहीं जताया, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको ईमान जैसी अजीम दौलत से नवाजा, उस पर भी अल्लाह तबारक व तआला ने एहसान नहीं जताया। अल्लाह ने हमें इंसान बनाया, अशरफुल मखलूकात बनाया, उस पर भी अल्लाह तबारक व तआला ने एहसान नहीं जताया, बल्कि हजारों लाखों नेमतें अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को और हमें आपको अता फरमाई, लेकिन किसी नेमत पर अल्लाह ने एहसान नहीं जताया, बल्कि नेमतों के बारे में देखो अल्लाह ने फरमाया कि वही तवक्तु नेमत अल्लाह बिला तुहसुहा, कि अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो, गिनना चाहो, तो अल्लाह ने तुमको दी है तो उन नेमतों को तुम शुमार नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जब अपने आखिरी और महबूब नबी इमामुल अंबिया दादार आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों से फरमाया कि हमने तुम्हें जो ये नेमत दी, पैगंबर की जो नेमत दी, अपने आखिरी रसूल को जो हमने तुम्हारे अंदर भेजा है, तो उस नेमत का अल्लाह तबारक व तआला ने एहसान जताया और उसको बतलाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने। तो मालूम यह हुआ कि तमाम नेमतों में सबसे बड़ी नेमत जो है वो अल्लाह ताला ने जो हमें और आपको अता फरमाई, वो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम नेमत है जो अल्लाह ने हमें और आपको अता फरमाई। और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में बयान भी फरमाया कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, कि हमने आपको तमाम आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा। चुनांची हदीस पाक में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरात सहाबा से फरमाया, यूं तो नबी की हर दुआ को अल्लाह कबूल फरमाते हैं और नबी जो भी अल्लाह से मांगते हैं वो अल्लाह तबारक व तआला अपने नबियों और रसूलों को अता फरमाते हैं, लेकिन खास तौर पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया एक दुआ अल्लाह ने हर नबी को खास तौर पर दी कि वो जो कहेंगे वो किया जाए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर नबी ने वो दुआ मांगी अपनी उम्मत के लिए, अपने कौम के लिए, अपने लोगों के लिए वो दुआ हर नबी ने मांगी। तो सहाबा ने सवाल किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या जो खास तौर पर एक मखसूस इख्तियार दिया गया था, तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने वो दुआ मांगी नहीं है, बल्कि मैंने उसको महफूज कर लिया। फरमाया फिर तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कल कयामत के दिन मैं उस दुआ को इस्तेमाल करूंगा अपनी गुनहगार उम्मत के लिए। जबकि दुनिया में क्या था, नबियों ने सदा से कोई किसी भी नबी की सीरत में आपको ये नहीं मिलेगा कि किसी नबी ने ये कहा हो कि रब्बी हबली उम्मती अल्लाह मेरी उम्मत का क्या हुआ। हजरत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पूरी जिंदगी का मुताला करें तो जब कौम में नहीं माना तो फौरन फातिह दुआ कर दी, रब्बी ला तज़रनी अनअन इल्ल काफिरीन तैयारा, कि अल्लाह कोई भी इस रूह जमीन पर ना आए वो तमाम इंसान मैदान-ए-महशर में जमा
वो जाएंगे। ये रबीउल अव्वल का महीना, इस महीने में अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर पाक अलैहिस्सलाम को इस दुनिया के अंदर भेजा। आपकी विलादत बसआदत हुई और आपके दुनिया में तशरीफ लाने से अल्लाह तबारक व तआला ने गुमराहियों का खात्मा फरमाया था उस वक्त, और पूरी दुनिया के अंदर रोशनी आ गई थी, और जिन लोगों ने आप अलैहिस्सलाम की बातों को कबूल किया था और माना था, वो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको रोशन फरमा दिया। तो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की सीरत को अब इसलिए रबीउल अव्वल का महीना है, इस महीने में हालात ऐसे हैं कि आप गेट नहीं बना सकते, हालात ऐसे हैं कि शायद आप जुलूस नहीं निकल पाओ निकल पाओ, लेकिन एक चीज तय कर ली आज रबीउल अव्वल की 5 तारीख की, एक चीज तय कर ली कम से कम इस महीने में हम सीरत की किसी एक किताब का मुताला करेंगे। जिस पैगंबर से हम शफाअत की उम्मीद रखते और जिस पैगंबर के बारे में ये हम उम्मीद रखते हैं कि कयामत के दिन उसके मुबारक हाथों से हमें जाकर गौसल मिलेगा, उस पैगंबर की सीरत का हमें पता ही नहीं कि उस पैगंबर की सीरत क्या है, उस पैगंबर के बेटे कितने थे, उस पैगंबर की बेटियां कितनी थी। अलबत्ता ये बताए कि थोड़ा इलाके में गेट बहुत अच्छा बनता है, तो इसलिए पहले इंशाल्लाह सीरत की किसी एक मोतबर किताब का मुताला करेंगे ताकि हमें पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की मालूमात हो जाए और उस सीरत की रोशनी में हम अपनी जिंदगियों को गुजारने वाले बन जाए। और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने उस्वा बनाया, चुनांचे अल्लाह ने फरमाया कि लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना। कहीं अल्लाह ने फरमाया लकद बअसल्लाह, कि अल्लाह तबारक व तआला लकद मनल्लाह अलमुमिनीन इस्बास फीहिम रसूला, अपने ईमान वालों के ऊपर एहसान किया कि अपना रसूल भेजा, यतलू अलैहिम आयाती, जो तुम्हारे सामने हमारी आयात की तिलावत करते, वयुज़क्कीहिम, और तुम्हारे नफ्स का तज़किया करते, वयुअल्लिमुहुम अल-किताब वल-हिक्मा, और तुम्हें किताब और हिकमत की तालीम देते, वइन्कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिन मुबीन, और इससे पहले तुम खुली हुई गुमराही में थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने एहसान फरमाया। अब यह रबीउल अव्वल का महीना, इस महीने के 12 रबीउल अव्वल का दिन आता है, तो तय कर लें कि इंशाल्लाह 12 रबीउल अव्वल को यौम रहमत के तौर पर मनाएंगे और हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की सीरत को सिफत रहमत के हवाले से हम खुद भी उससे वाकिफ होंगे, और जिनके जहनों में बिदादराने वतन या जिनके जहनों में गलतफहमियां होंगी हैं, तो सिफत रहमत के हवाले से उनकी गलतफहमियों को खत्म करने की कोशिश करेंगे कि हमारे नबी को अल्लाह तबारक व तआला ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है और उनकी इस सिफत रहमत को लोगों को बताना है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना लोगों के लिए रहम दिल थे और कितना रहमत का मामला करने वाले और रहम का मामला करने वाले हैं। तो तय कर लें कि इंशाल्लाह उस दिन को हम यौम रहमत के तौर पर मनाएंगे। किसी बीमार को दवा दिला दी, अस्पताल में जाकर किसी मरीज की आयादत कर ली, अस्पताल में जाकर कुछ लोगों को जो मरीज हैं उनको अगर अल्लाह ने दिया है तो माल के अतबार से कुछ पैसे दे दिए, वरना जाकर उनको घर दे दिए और उनको बताएं कि आज के दिन हमारे नबी जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के अंदर तशरीफ लाए थे और अल्लाह ने आपको दुनिया वालों के लिए रहमत बनाकर भेजा था। तो नबी की सिफत रहमत के हवाले से अगर आपकी इस सिफत को और इस खासियत को हम लोगों के सामने पेश करेंगे तो बहुत से लोगों के जहनों से गलतफहमियां दूर हो सकती, गलतफहमियों का इजाला हो सकता है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन सिफात को हम लोगों के सामने पेश करें। एक शख्स जो इस्लाम का खुला हुआ दुश्मन और आप अलैहिस्सलाम के कत्ल के इरादे से मक्का से मदीना आता और आप क्या कयाम करता और बाद में आप उसकी ज़ियाफ़त भी करते हैं, उसके खाने पीने का इंतजाम भी करते हैं और उसके बाद में रात को वो सोता है और उसी बिस्तर पर उसको हाजत हो जाती है और उसके बाद में वो ठंड मारे सुबह सुबह जल्दी भाग जाता है और अपना वो हथियार वहां वो भूल गया और जब वो वापस लेने के लिए आता है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब देखते देखा कि भाई हमारी उस चादर पर
और उसमें उस पर वायदा क्या हुआ था कि कोई अगर बाहर का ताजिर आता है तो इनके हाथ कोई चीज बेचेगा नहीं, मक्का का कोई दुकानदार इनके हाथ कोई सामान नहीं बेचेगा, और अगर ये कहीं सामान लेने जाए तो दौड़ा भी इनको मारा जाए। इसके बारे में हो रहा है मक्का के लोग पछता है। हुजूर पाक अलैहि सलातो वसलाम और आपके जानिसार सहाबा के बारे में वो कितनी सब ऐसे सख्त हालात थे। सहाबा फरमाते हैं कि हमारे बच्चे हमारे सामने भूख की वजह से पिलक पिलक कर अपनी जान दे रहे थे, माओ की छातियों में दूध खुश हो गया था, सूख गया था, विषाओं के न मिलने की वजह से बच्चे उनके सामने जान दे रहे। ये तमाम सूरत हाल थी। क्या इन सूरत हाल से हम और आप गुजर रहे? तो जब सहाबा इकराम ने उस दौर में उन हालात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे पर और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाए हुए दीन पर अमल किया, तो मेरे दोस्तों हमारे